नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50 किलो गांजा के साथ कारोबारी गिरफ्तार, एसएसपी आशीष भारती ने दी जानकारी। दो अलग अलग जगहों पर हुए हादसे में दो लोगों की डूबने से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। डीएम के निर्देश पर प्रतिबंधित पॉलिथीन और गुटखा दुकानों में चलाया गया छापेमारी अभियान, कई लोगों से वसूला गया जुर्माना। शताब्दी वर्ष को लेकर प्रधान डाकघर विरासत भवन में गुरुवार को राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ की होगी स्थापना। और जल संचय को लेकर डीआरडीए परिसर से निकाला गया जागरूकता रथ, डीडीसी ने झंडी दिखाकर किया रवाना। और अब खबर विस्तार से। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा के साथ एक कारोबारी को 1.5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी आशीष भारती ने बुधवार को कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि 0 माइल थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में गांजा के अवैध कारोबार की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद मामले के उद्भेदन को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने फतेहपुर के मुकरी टोला स्थित मोहम्मद नसरूल और मोहम्मद सुद्दीन के घर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मोहम्मद नसरूल के घर से 50 पैकेट में बंद 50 किलो गांजा बरामद किया गया। साथ ही मौके से गांजा कारोबारी मोहम्मद नसरूल को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने घर से 1,55,000 नगद, पासबुक, चेकबुक, 2 ATM कार्ड और 6 PAN कार्ड बरामद किया है। एसएसपी ने कहा कि अवैध कारोबार में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध और पूर्ण नशाबंदी को लागू कराने के लिए छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में कल एक सूचना मिली कि 0 माइल थाना क्षेत्र और जगदीपुर क्षेत्र थाना के क्षेत्र में जो फतेहपुर गाँव है, वहाँ पर अवैध रूप से गांजा का कारोबार किया जाता है और उसमें कई लोग शामिल हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए SHO 0 माइल इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर और अन्य पदाधिकारी को निर्देश दिया गया, जिनके द्वारा जब वहाँ पर छापेमारी की गई तो एक अभियुक्त जिसका नाम है मोहम्मद नसरूल, उसको गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से 50 किलो गांजा बरामद किया गया है तथा उसके पास से कुल मिलाकर के 1,55,900 रुपये बरामद किया गया है और अन्य पासबुक, चेकबुक और पैन कार्ड वगैरह बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर के समीप हाथ में देसी कट्टा और चाकू लेकर दहशत फैला रहे विकास राज को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने कहा कि पकड़े गए युवक का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी SP सुशांत कुमार सरोज, सिटी DSP राजवंश सिंह मौजूद थे। कल बरारी थाना क्षेत्र में और सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में हथियार के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। बरारी थाना क्षेत्र में एक अभियुक्त जिसका नाम है विकास राज, उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके पास से एक देसी कट्टा और दूसरे हाथ में एक चाकू लेकर के वहाँ पे जो उसके पड़ोसी थे उनके दरवाजे पे जा करके वो दहशत फैला रहा था, तो उसकी गिरफ्तारी की गई है। भागलपुर में दो अलग अलग जगहों पर हुए घटनाओं में दो लोगों की डूबकर मौत हो गई। खंजरपुर स्थित श्री घाट से 8 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ है। मृतक बच्चे की पहचान भिकनपुर गुमटी नंबर 1 निवासी पाटी मंडल के पुत्र सत्यम कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नदी में स्नान करने के दौरान गहरे पानी में डूबकर बच्चे की मौत हो गई। वहीं शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बरारी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी घटना हबीबपुर थाना क्षेत्र के जंगी तालाब की है, जहां मंगलवार को मोहल्ले के ही रिक्शा चालक 45 वर्षीय रहमत उर्फ शाहरुख खान स्नान करने तालाब गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया। घटना के बाद लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ गई और स्थानीय लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बुधवार की सुबह पुलिस ने घटना की सूचना SDRF की टीम को दी, लेकिन SDRF की टीम पहुंचने से पहले ही मोहल्ले के युवकों ने कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को बाहर निकाल लिया। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रोकर हाल है। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जिलाधिकारी प्रणव कुमार के निर्देशानुसार बुधवार को नगर परिषद क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन, कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रानंदन, अंचलाधिकारी शशिकांत कुमार व थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार के नेतृत्व में सुल्तानगंज बाजार में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान सभी पदाधिकारियों ने अलग अलग दलबल के साथ छापेमारी की, जिसमें दुकानों में गुटखा पकड़ाने पर 1900 व प्लास्टिक पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। इस दौरान 3.5 किलो से अधिक प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त किया गया। इस दौरान नगर मिशन प्रबंधक मुकेश सिंह, स्वच्छता निरीक्षक दिलीप कुमार दुबे, टैक्स दरोगा गोपाल झा, CRP अलका देवी सुवास शाह आदि मौजूद रहे। भागलपुर के प्रधान डाकघर का 100 वर्ष पूरा होने पर डाक विभाग की ओर से विरासत भवन शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसको लेकर बुधवार को पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर शताब्दी वर्ष समारोह की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुरुवार को प्रधान डाकघर परिसर में 60 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ की स्थापना की जाएगी। साथ ही विरासत भवन के मुख्य द्वार पर शताब्दी द्वार बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। पोस्ट मास्टर जनरल ने बताया कि विरासत भवन परिसर में 25 फीट के पोस्टमैन मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। साथ ही उन्होंने डाकघर की ओर से ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की भी विस्तार से जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाक अधीक्षक, पोस्ट मास्टर सहित कर्मी मौजूद थे। एक बहुत बड़ा पर्पस ये है कि हम लोग का भागलपुर हेड पोस्ट ऑफिस का जो बिल्डिंग है उसका 100 साल हुआ है, हेरिटेज बिल्डिंग है, विरासत भवन है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कई किए गए हैं, कई किए जाने हैं, जिसमें कि सेंचुरी द्वार है, शताब्दी द्वार है, एक हरकारा का स्टैचू है। कल हम लोग 10 बजे वहाँ एक फ्लैग जो मास्ट है, हाईएस्ट फ्लैग मास्ट 75 फीट ऊँचा फ्लैग मास्ट का कल उद्घाटन करेंगे, इसी 100 साल को सेलिब्रेट करने के लिए। भागलपुर DRDA परिसर में बुधवार को जिला मत्स्य विभाग की ओर से जागरूकता रथ निकाला गया। रथ को DDC सुनील कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बिंदुसार मंडल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर आम लोगों को जल संचयन के प्रति जागरूक करेगा। उप विकास आयुक्त सुनील कुमार ने कहा कि जिले में काफी तेजी से पानी का लेयर नीचे जा रहा है, जिससे आने वाले समय में लोगों को पानी के लिए काफी परेशानियां उठानी पड़ेगी। रथ के माध्यम से लोग जागरूक होंगे और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जल संचयन किया जाएगा, तभी पानी की समस्या दूर होगी। इसके लिए सरकार की ओर से तालाब निर्माण के लिए अनुदान दिया जा रहा है। DDC ने जल जीवन हरियाली अभियान के लिए जल संचयन के प्रति लोगों को जागरूक होने की अपील की। जल जीवन हरियाली का जो है कृषि डिपार्टमेंट द्वारा निकाला गया था और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, जिस तरह आप देख रहे हैं कि वाटर कलर जिस तरह नीचे जा रहा है, आने वाले टाइम में काफी दिक्कत होने वाली है। अभी आपको भागलपुर का जो लेयर है 120 फीट नीचे हो गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
भूमिहीनों को बसाने की मांग को लेकर बुधवार को समाहरणालय परिसर में झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति की ओर से धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता मोहम्मद समीम ने किया। धरना में शामिल लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उदय ने कहा कि हवा, पानी और जमीन प्राकृतिक धरोहर है। राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जिला संयोजक प्रकाश पासवान ने कहा कि जिला प्रशासन को रेल किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले की सूची सौंपी गई है, लेकिन उसे बसाने की दिशा में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समिति के सदस्यों ने कहा कि भूमिहीनों को जल्द बसाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर काफी संख्या में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग मौजूद थे। 30 वर्षों से भागलपुर में झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति, जो पुराना छोटी रेलवे लाइन था उसके किनारे जो बसे हुए लोग हैं, मायागंज में मेडिकल की ज़मीन पर जो बसे हुए लोग थे, ऐसे लोगों के अस्थाई आवास के लिए संघर्ष कर रहा है। ये लोग 30 वर्षों से भी ज़्यादा हो गए ये बसे हुए हैं, और जिला प्रशासन ने, बिहार सरकार ने सबों को बसाने का आश्वासन भी दिया है, लेकिन रेलवे बार बार नोटिस देती है कि आप खाली कर दीजिए। इधर हाल में भी एक नोटिस दिया गया है 3-4 दिन पहले कि आप 15 दिनों के अंदर ये खाली कर दीजिए। बांका में वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से बुधवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी फिरोज अख्तर के नेतृत्व में टाउन थाना से लेकर शिवाजी चौक तक दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों को ट्रैफिक नियम के पालन करने की जानकारी दी गई। इस दौरान कई बाइक सवार को चॉकलेट देकर नियम पालन करने, घर से निकलने पर हेलमेट का प्रयोग करने, सीट बेल्ट बांधने को लेकर जागरूक किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन चालकों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होंगे। आज़ादी के 72 वर्ष बीत जाने के बाद भी बांका के बाराहाट प्रखंड के लोरिया खुर्द पंचायत का रामदेव कित्ता गांव सड़क की सुविधा से वंचित है। यहां के ग्रामीण कीचड़ भरी सड़कों पर और पगडंडियों पर चलकर मुख्य सड़क का रास्ता तय करने को विवश है। कई बार ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र के मुखिया और अधिकारियों को आवेदन देकर सड़क निर्माण की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ। सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों का आक्रोश जनप्रतिनिधियों पर बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल ले जाना भी चुनौती बन जाता है। रोड यहाँ कादा बस जाता है, बाहर का बच्चा आ नहीं सकता है पढ़ने के लिए। प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है, सरकारी स्कूल है, बाहर से कोई बच्चा नहीं आ जा सकता है पढ़ने के लिए, कीचड़ में आके फंस जाता है बच्चा। प्रतिबंधित पॉलिथीन और गुटखा को लेकर बुधवार को बांका नगर परिषद की ओर से शहरी क्षेत्र के दुकानों में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान का नेतृत्व नगर परिषद अधिकारी परवेज अजमल ने। इस दौरान कई दुकानों से पॉलिथीन और गुटखा को जब्त कर दुकान संचालक से जुर्माना राशि वसूल की गई। वहीं कई दुकानदार जुर्माना देने का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। छापेमारी टीम में शामिल अधिकारियों ने प्रतिबंधित सामान का प्रयोग नहीं करने की सख्त हिदायत दुकानदारों को दी। वहीं छापेमारी के दौरान कई दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया। नगर परिषद पदाधिकारी ने कहा कि छापेमारी अभियान जारी रहेगा। उन्होंने सभी दुकानदारों से प्रतिबंधित सामान का प्रयोग नहीं करने की अपील की है। भागलपुर के एसएम कॉलेज में बुधवार को शिक्षक दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की, जिसके बाद छात्राओं के द्वारा शिक्षकों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्मी गीतों पर छात्राओं ने नृत्य कर मौजूद लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर शिक्षिका एवं छात्राएं मौजूद थी। आगे हमारा टीचर्स डे का प्रोग्राम है और हम लोग टीचर्स डे मना रहे हैं होम साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से। हमारा पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है, हमारे शिक्षक शिक्षिका भी मौजूद है, और हम लोग इसी उपलक्ष्य पे आज टीचर्स डे मना रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया है। हमारे सारी छात्राओं को उत्साह देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर केक कटिंग हुआ, दीप प्रज्वलन हुआ, और हमारी सारी सीनियर्स और जूनियर्स सारी आई हुई हैं। विश्वकर्मा पूजा को लेकर पीरपैंती के योगी वीर पहाड़ी पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर योगेश कौशल ने मंगलाचरण कर किया। इस दौरान अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति सम्मेलन की ओर से कवियों ने कविता पाठ कर लोगों को खूब गुदगुदाया। सनहौला पुलिस ने धान के खेत से 25 लीटर देसी शराब बरामद किया है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि महेशपुर बिंद टोला गाँव में देसी शराब की खरीद बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान धान के खेत में छुपा कर रखे गए गैलन
से 25 लीटर शराब बरामद किया गया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही शराब कारोबार में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बांका के चानन प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर बुधवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। धरना का आयोजन राष्ट्रीय समता पार्टी की ओर से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भोला प्रसाद यादव ने किया। इस दौरान धरना पर बैठे लोगों ने सरकार से प्रखंड का स्थलीय जांच कराकर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की। धरना के माध्यम से जल मित्र, किसान सहित कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जबकि हम बोला कि जिला में कई प्रखंड सुखाड़ घोषित में आ जाना, लेकिन हम देखे कि हमारा प्रखंड चांदन प्रखंड नहीं आया और न कटोरिया प्रखंड आया। हमको लगा कि हमारा चांदन प्रखंड में इतना बारिश और धान हो गया जो सरकार के अंदर सब चीज़ चला गया और हम लोग मजरू क्या कहते हैं इसको मजबूर हो गए कि ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हो। जहाँ तक सवाल है कि आम सभा में बात हम रख सकते थे, लेकिन आम सभा में कौन सुनता मेरा बात? आम सभा खुद हम करते हैं, मेरा बात यहाँ तक आ ही नहीं सकता आम सभा का। इसलिए हम समझे कि नहीं कि धरना कार्यक्रम हम अपने प्रखंड मुख्यालय पर दें ताकि ये सरकार तक पहुँच सके। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50 किलो गांजा के साथ कारोबारी गिरफ्तार, एसएसपी आशीष भारती ने दी जानकारी। दो अलग अलग जगहों पर हुए हादसे में दो लोगों की डूबने से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। डीएम के निर्देश पर प्रतिबंधित पॉलिथीन और गुटखा दुकानों में चलाया गया छापेमारी अभियान, कई लोगों से वसूला गया जुर्माना। शताब्दी वर्ष को लेकर प्रधान डाकघर विरासत भवन में गुरुवार को राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ की होगी स्थापना। और जल संचय को लेकर डीआरडीए परिसर से निकाला गया जागरूकता रथ, डीडीसी ने झंडी दिखाकर किया रवाना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।